कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मशीन से बने पॉलिएस्टर झंडों के इस्तेमाल के लिए मंगलवार को मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने तिरंगे के एकमात्र कपड़े के रूप में खादी को अपनाए जाने का आह्वान किया। सोनिया गांधी ने कहा कि खादी को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले के सप्ताह में हर घर तिरंगा अभियान के लिए नए सिरे से आह्वान किया जाना राष्ट्रीय ध्वज और देश के लिए इसके महत्व पर सामूहिक रूप से आत्मलोकन करने का अवसर देता है। मोदी का राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करना और एक ऐसे संगठन के प्रति निष्ठा रखना नैतिक रूप से दोहरापन है जो इस ध्वज के प्रति उदासीन रहा है। मशीन से बने पॉलिएस्टर के झंडों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है जिसमें कच्चा माल अक्सर चीन से आयात किया जाता है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में जोर दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को हाथ से काते और हाथ से बुने ऊनी या कपास या रेशमी खादी के झंडे से ही बनाया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि खादी मोटा लेकिन बहुमुखी और मजबूत कपड़ा होता है जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खुद काता और बुना था। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मृति में इसका एक विशेष अर्थ है। खादी हमारे गौरवशाली अतीत का शानदार प्रतीक है और भारतीय आधुनिकता तथा आर्थिक जीवन शक्ति का प्रतीक है। इस शाश्वत प्रतीकवाद के सम्मान में ही तिरंगे में कभी महात्मा गांधी का चरखा केंद्र बिंदु हुआ करता था और आधुनिक भारतीय ध्वज में खादी को ही एकमात्र कपड़ा माना जाता था। वहीं खादी की सरकारी खरीद में गिरावट को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस तरह से पॉलिएस्टर यार्न आयात करना दुर्भाग्य है, खासतौर से चीन से, और फिर इस आयातित यार्न को अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कपड़ा बनाने के लिए बुनना हमारे राष्ट्रीय गौरव का यह शर्मनाक उलटफेर हमारे बॉर्डर पर चीनी सशस्त्र बलों द्वारा गंभीर अतिक्रमण के समय और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत तमाशे के दौरान हो रहा है। सरकार के विजन और खोखलेपन और अपर्याप्तता ने महात्मा गांधी के सबसे बड़े उत्तराधिकारियों हमारे खादी सूत कातने वालों और बुनकरों के लिए प्रत्यक्ष और विनाशकारी परिणाम दे दिए हैं। खादी की सरकारी खरीद में गिरावट आई है क्योंकि विभाग उन आदेशों की अनदेखी या उन्हें रद्द करना पसंद करते हैं जिनके तहत उन्हें ऐसा करना होता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि सरकार भारतीय हथकरघा के लिए वैश्विक दर्शक बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के उपभोक्ता सस्टेनेबल सोर्सिंग और निष्पक्ष व्यापार को महत्व देने लगे हैं, जिस कपड़े पर गांधी जी का सत्याग्रह आधारित था उससे वैश्विक स्तर पर संजोया जाना चाहिए था, लेकिन अब बापू की खादी को उसकी पहचान से ही वंचित किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि सरकार बाजार को रेगुलेट करने में नाकाम रही है और सेमी मशीन चरखों से बुनी गई खादी को पारंपरिक हाथ से बुनी गई खादी के समान ही धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।